नमस्कार, स्वागत है आपका इट्स इन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। कोरोना वायरस का असर पूरे इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। ये वायरस वजन कम करने के साथ साथ शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो आपको दवाओं के साथ साथ अपने डाइट पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आइए जानते हैं कि संक्रमित होने के बाद और रिकवरी टाइम में क्या खाने की सलाह दी जाती है और किन चीजों से परहेज करने को कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिकवरी पीरियड में आपका खाना हल्का हो लेकिन पोषण से भरपूर होना चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन सी, डी, मिनरल्स और जिंक हो। इससे आपकी रिकवरी तेजी होती है। कोरोना के मरीजों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन पौष्टिक खिचड़ी है। खिचड़ी प्रोटीन से भरपूर होती है। हरी सब्जियों के साथ खिचड़ी आसानी से पच जाती है और ये अंदर से एनर्जी देती है। इससे शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इसके अलावा अपनी डाइट में दाल का पानी, साबुत अनाज शामिल करें। ध्यान रखें कि इस समय आप जो भी खाएं वो गर्म ही खाएं, ठंडी चीजें बिल्कुल न खाएं। रिकवरी के दौरान जहां आपको कुछ चीजें जरूर खानी चाहिए वहीं कुछ चीजों से परहेज करने की भी जरूरत है। खानपान की कुछ चीजें इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है जिससे आपको ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड भूख मिटाने का सबसे आसान ऑप्शन है लेकिन कोरोना से निपटने में ये फूड आप पर भारी पड़ सकता है। पैकेज्ड फूड में सोडियम और प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से शरीर में सूजन हो जाती है और रिकवरी में लंबा समय लग सकता है। ये फूड इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। दूसरा, मसालेदार खाना। कोरोना से रिकवरी के समय खाना बिल्कुल सादा खाना चाहिए। इस समय मसालेदार खाना भूल कर भी ना खाएं। इस तरह का खाना आपके गले को और खराब कर सकता है। इसके अलावा मसालेदार खाना कफ भी बढ़ाता है। खाने में लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करें। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तीसरा, तला भुना हुआ खाना। कोरोना से संक्रमित ज्यादा लोगों को स्वाद और सुगंध का एहसास होना बंद हो जाता है। रिकवरी के समय धीरे धीरे खाने का स्वाद मिलने लगता है। ऐसे में लोगों का मन कुछ चटपटा या तला भुना खाने का हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस समय आपको खुद पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत होती है। चौथा, मीठे ड्रिंक्स। संक्रमित होने के बाद और रिकवरी के समय आपको मीठे ड्रिंक्स और सोडा पीने से बचना चाहिए। इस तरह के ड्रिंक्स पेट में सूजन पैदा करते हैं जिससे ठीक होने में वक्त लग सकता है। इसकी बजाय आप ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पिए। नींबू पानी पेट साफ रखने के साथ इम्यूनिटी बढ़ाता है जिससे रिकवरी में मदद मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपनी राह में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहें HCN News। धन्यवाद।